हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो आप सब अच्छे ही होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो सीए इंटर और सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए है, जो दिसंबर और नवंबर 2018 एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए आज का लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के ऊपर। जो आज का मेरा लेक्चर है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये एक समरी लेक्चर है जिसमें आपको मैं एक फास्ट ट्रैक रिवीजन में, एक फास्ट वे में आपको रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर की रिवीजन करना और प्रैक्टिकल आपको कैसे पेपर से पहले, मान लो एक दिन पहले, दो दिन पहले, एक घंटा पहले कैसे रिवाइज करना है उसको, वो आपको बताता हूँ। राइट, तो चैप्टर हमारा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता क्या है, नंबर एक आपको बता देते हैं। रिडम्पशन, अब कंपनी आपको पता है पैसा जो है इक्विटी और प्रेफरेंस के थ्रू रेज करती है। अब इक्विटी शेयर जो होते हैं वो होते हैं बायबैक, और प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं रिडीम। दोनों का मतलब वैसे ऑलमोस्ट सेम ही होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों ने कंपनी में पैसा लगाया, उनको अपने कंपनी ने वापस पैसा रिटर्न करना है, और रिटर्न करने की जो पॉलिसी है, इक्विटी शेयर को क्या बोलते हैं, बायबैक, और प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन। राइट, और जो रिडम्पशन और बायबैक की प्रोविजन है ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर कोई स्टूडेंट हम मेरे इस लेक्चर को देख ले तो उसके दोनों चैप्टर, बायबैक और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, दोनों के दोनों चैप्टर सॉल्व हो जाएंगे। राइट, तो कम से कम इस लेक्चर में आपका 90%, कोई भी 90% बायबैक या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की कंडीशन। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है वो कहते हैं, एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में इशू प्रेफरेंस शेयर इफ ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और जो रिडम्पशन है, कहते कोई भी कंपनी जो है 20 साल से ज़्यादा के लिए, रिडम्पशन पीरियड जो है प्रेफरेंस शेयर का वो 20 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी वो रिडीमेबल ही करेगी, उसका रिडम्पशन पीरियड मैक्सिमम कितना होगा, 20 ईयर्स। और कंडीशंस क्या है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की, नंबर एक, जो प्रेफरेंस शेयर है वो क्या होना चाहिए, फुली पेड अप। प्रेफरेंस शेयर रिडीम होने से पहले फुली पेड अप होना चाहिए। नंबर दो, कंपनी जो रिडीम कर सकती है प्रेफरेंस शेयर, रिडीम कर सकती है प्रेफरेंस शेयर, वो कहां से कर सकती है, आउट ऑफ नंबर एक प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर द डिविडेंड विच इज कॉल्ड फ्री रिजर्व, इन शॉर्ट आप बोल सकते हो फ्री रिजर्व्स। प्रोसीड्स आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, और तीसरा है प्रीमियम ऑन शेयर या डिबेंचर, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब क्या है, कुल मिला के प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए तीन सोर्सेज हैं आपके पास। नंबर एक फ्री रिजर्व, नंबर दो फ्रेश इशू ऑफ शेयर, नंबर थ्री सिक्योरिटी प्रीमियम। अब जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइज हो सकती है दो जगह से, नंबर एक फ्रेश इशू, नंबर दो फ्री रिजर्व। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो दो जगह से हो सकता है, या तो फिर पहली प्रायोरिटी किसकी होगी, जो प्रीमियम रिडम्पशन होगा उसकी पहली प्रायोरिटी होगी सिक्योरिटी प्रीमियम, और दूसरी प्रायोरिटी क्या होगी, फ्री रिजर्व। राइट, उसके बाद जितना भी अमाउंट, सबसे मेन पॉइंट, जितना भी अमाउंट आप फेस वैल्यू के लिए लोगे आउट ऑफ रिजर्व, जितनी भी अमाउंट फ्री रिजर्व में से ली जाएगी फेस वैल्यू के लिए, वो सारी की सारी क्या होगी, ट्रांसफर टू सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। राइट, अब मैं आपको ओवरऑल बता दूं, प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन के लिए नंबर एक कंडीशन थी प्रेफरेंस शेयर क्या होना चाहिए, फुली पेड अप। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर जो है वो कहां से रिडीम हो सकते हैं, नंबर एक आउट ऑफ फ्रेश इशू, नंबर दो आउट ऑफ रिजर्व। फ्री रिजर्व क्या है, जनरल रिजर्व का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, और अदर रेवेन्यू रिजर्व विच आर अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। राइट, और तीसरा सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम किसके लिए है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए। राइट, अब इसके लिए मैं आपको एक चार्ट करवाऊंगा, वो चार्ट अपने हर क्वेश्चन करते वक्त, ये चाहे वो क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है, चाहे वो 10 मार्क्स का है, आपने ये चार्ट जरूर फॉलो करना है, उसके बिना आपका चैप्टर जो है अच्छे तरीके से नहीं होने वाला।
तो जैसे कि आप जानते हो हमारे जो डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर हैं इसके लिए हम दो पेमेंट करते हैं, दो तरीके की पेमेंट करते हैं। नंबर एक होता है जी फेस वैल्यू। मान लीजिए 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर है, आप उसको रिडीम कर रहे हैं 110 रुपये पे। 100 रुपये के प्रेफरेंस शेयर को 110 पे रिडीम कर रहे हैं तो फेस वैल्यू होगी 100 रुपये और बाकी 10 रुपये क्या हो गया जी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। राइट, अब ये जो फेस वैल्यू है ये दो जगह से यूज हो सकती है, इसको आप दो तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। नंबर एक फ्री रिजर्व, नंबर दो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर। अब जितनी भी अमाउंट फ्री रिजर्व से ली जाएगी फेस वैल्यू की वो कहां पे ट्रांसफर हो जाएगी, ट्रांसफर टू CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। राइट, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहली प्रायोरिटी जो होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी वो किसके लिए होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए। मतलब आपने पहले यूटिलाइज करना है किसको, सिक्योरिटी प्रीमियम को। फिर दूसरे नंबर पे अगर मान लो आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं, ना ही आपके पास एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है और ना ही आपके पास नए शेयर इशू करने से आपके पास आया है, तो उस केस में हम सेकंड नंबर पे कहां से लेंगे, वो हम लेंगे फ्री रिजर्व से। राइट, अब सबसे मेन बात जो आपके नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए आएगी, अब जब हम फ्रेश इशू करते हैं शेयर तो सबसे मेन क्वेश्चन खड़ा होता है कि कितने शेयर इशू किए जाएं, कितने शेयर इशू किए जाएं और उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, नंबर ऑफ शेयर्स उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है फ्रेश इशू की। इसके लिए क्या होगा, आपने विच एवर इज लेस वाला कॉन्सेप्ट अपनाना है। विच एवरेज लेस का मतलब मान लीजिए उन्होंने बोला है जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं उसके लिए कंपनी क्या कर रही है, उसके लिए कंपनी क्या कर रही है, नए शेयर इशू कर रही है, नए शेयर इशू कर रही है। उसके लिए उन्होंने बोला है केस वन है फेस वैल्यू है 10 रुपये और इशू प्राइस कितना है 10 रुपये। फिर तो आप कितनी वैल्यू ले लोगे डिवाइड के लिए, डिवाइड बाय 10, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सेकंड केस जो होगा, सपोज कीजिए इसमें फेस वैल्यू कितनी है 10 और इशू प्राइस कितना है 12। अब आप डिवाइड किसके साथ करोगे, विच एवर इज लेस 10 के साथ, क्योंकि हमें क्या चाहिए फेस वैल्यू चाहिए, फेस वैल्यू चाहिए। इसके इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद केस 3, फेस वैल्यू है 10 रुपये, इशू प्राइस है 9 रुपीज, फिर आपने डिवाइड बाय क्या करना है 9, विच एवर इज लेस। राइट, इसका कारण क्या है, अब जैसे कि आपको पता है कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेगी, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेगी, नंबर एक वो पैसे का अरेंजमेंट करेगी, पेमेंट करने के लिए पैसे का अरेंजमेंट करेगी। नंबर दो कंपनी लॉ की प्रोविजन देखेगी कि क्या हमारे पास रिजर्व पड़े हैं, क्या हमारे पास रिजर्व पड़े हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए हमारे पास फेस वैल्यू कितनी है, इस केस में फेस वैल्यू है 100 रुपये, फेस वैल्यू 100 है और प्रीमियम रिडम्पशन कितना है 10 रुपये है। राइट, तो सपोज कीजिए कंपनी कह रही है कि हम 10 10 रुपये के चार प्रेफरेंस चार इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं,
₹10 के 4 इक्विटी शेयर इशू करने हैं और जो बैलेंस है कहां से लिया जाएगा, फ्री रिजर्व से लिया जाएगा। और जो ₹10 का शेयर है कितने में इशू हो रहा है, ₹12 में। अब जैसे कि आपको पता है हमें फेस वैल्यू के अगेंस्ट ही कट होगी, जो हमें चाहिए अमाउंट फेस वैल्यू के अगेंस्ट ही चाहिए। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ₹10 का शेयर 12 में इशू हुआ, अगर आप 12 ले लेते हो और जो ₹2 है वो सिक्योरिटी प्रीमियम है, और सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो प्रीमियम रिडेम्पशन के अगेंस्ट ही राइट ऑफ होगा, ना कि फेस वैल्यू के अगेंस्ट होगा, राइट। तो उस केस में हम ₹12 नहीं बल्कि ₹10 लेंगे। तो फ्रेश इशू कितने के हो गए, 10 × 4 दैट इज 40। और जो रिमेनिंग अमाउंट है हमें कहाँ से लेनी है, वो हमें लेनी है फ्री रिजर्व से। अब रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया, ₹60, और ₹60 कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, CRR में ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। उसके बाद जो प्रीमियम रिडम्पशन है वो कहाँ से, फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटी में और लास्ट फ्री रिजर्व से, राइट फ्रेंड्स। ये आपका प्रॉपर चार्ट प्रेफरेंशियल रिडेम्पशन में और बायबैक दोनों में यूज होने वाला है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। और चाहे वो बायबैक का समय है, चाहे वो रिडेम्पशन और प्रेफरेंशियल का समय, दोनों केसेस में यही चार्ट बनने वाला है। बस फर्क इतना होने वाला है, जहां पे प्रेफरेंस लिखा है वहां पे इक्विटी आ जाएगा, और 100% कंडीशंस सेम है, राइट। तो चलिए इसी के बेस पर मैं आपको जनरल एंट्री करवाता हूं, इसी चार्ट के बेस पर आपकी जनरल एंट्रीज आ जाएंगी, इसी के बेस पर ही आप अपनी बैलेंस शीट तक भी पहुंच सकते हो। तो चलिए जनरल एंट्री पे आते हैं। जैसे कि पहली जनरल एंट्री क्या है हमारी, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने पैसा अरेंज करने के लिए इन्वेस्टमेंट सेल करी, ₹100 की इन्वेस्टमेंट 90 में सेल करी, तो क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 90, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10, टू इन्वेस्टमेंट 100, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट आ जाएगा 2P&L। उसके बाद है हमने शेयर या डिबेंचर कुछ भी इशू किया, अब शेयर इशू करें उसके लिए क्या एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद आप सीधा चार्ट पे आते जाइए साथ साथ। अब हमने पैसा अरेंज कर लिया, अब हमने ड्यू की एंट्री डालनी है। ड्यू की क्या है, फेस वैल्यू डेबिट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये आप देख सकते हो। थर्ड एंट्री हमारी आ गई, फेस वैल्यू मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, राइट। उसके बाद हमने ये वाली पार्ट की एंट्री हो गई, ये वाले पार्ट को डेबिट कर दिया टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उसके बाद हमने फ्रेश इशू की ऑलरेडी एंट्री डाल दी हुई है, राइट। उसके बाद फ्री रिजर्व डेबिट टू CRR, फ्रीजर मतलब P&L डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट टू CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, राइट। उसके बाद ये वाले पार्ट की भी जनरल एंट्री हो गई सारी। अब इस वाले पार्ट को हमने प्रीमियम रिडम्पशन को डेबिट कर दिया था। अब मैंने क्या आपको कहा, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको है, सिक्योरिटी प्रीमियम को। तो इसके लिए अगर हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज किया है तो क्या एंट्री होगी हमारी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बायबैक नहीं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, राइट, या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिख सकते हो, POR, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, राइट। उसके बाद आ जाएगा पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर की क्या आ जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट। तो फ्रेंड्स कुल मिला के बात यहां पे है कि सारी की सारी दारोमदार जो है हमारा किसके ऊपर टिका हुआ है, हमारे इस चार्ट के ऊपर, पूरा चैप्टर जो है इस चार्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। ये चार्ट आपको समझ लग गया तो समझो आपको क्वेश्चन सारा का सारा हो गया। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ मैं आपको उसमें जो फुल फ्लेज ओवरऑल एक मैक्सिमम लेवल का जो क्वेश्चन आता है वो आपको करवा के आपका चैप्टर जो है सारी प्रोविजन क्लियर करता हूँ। तो चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ऑस्कर इंडिया लिमिटेड ऑन 31st March 2011। उसके लिए इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है 30,000 इक्विटी शेयर ₹10 ईच, 10 lakh 3 lakh। उसके बाद 2500 प्रेफरेंस शेयर दिए हुए हैं, 2500 प्रेफरेंस शेयर ₹100 ईच,
250, कॉल्स इन एरिया 20 रुपीज है और कितने रुपए के हैं 2000 के। इसका मतलब क्या हो गया, कितने प्रेफरेंशियल हैं जो फुली पेड अप नहीं है, 2000 डिवाइड बाय 20 दैट इज 100, 100 शेयर्स वो हैं जो फुली पेड अप नहीं है। इसका मतलब है ये प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं हो सकते, इतने प्रेफरेंस शेयर को कंपनी रिडीम नहीं कर सकती, राइट। तो उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास कितना पड़ा है, 150 पड़ा है, सिक्योरिटी में 15,000 पड़ा है, ये लाइबिलिटीज हो गई, ये एसेट्स हो गई हमारी, कैश हमारे पास पड़ा है 90,000। और कह रहे हैं 30 जून 2011 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रेफरेंस रिडीम करने का डिसीजन ले लिया है विद 10% प्रीमियम, और कंपनी ने इन्वेस्टमेंट सेल करी है कितने की, 40,000 की। दे डिसाइड टू इशू द सफिशियंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, सफिशियंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इस बार हमने सफिशियंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने हैं। ये सारा कुछ आपको चार्ट में पता लग जाएगा, राइट। उसके बाद कह रहे हैं कितने रुपए का इशू हो रहा है, 10 रुपए का शेयर है, 1 रुपए प्रीमियम पे हो रहा है, और हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस रखना है 50,000 रुपए। जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपके पास बैलेंस होगा उसमें से 50,000 आपको लीव करना है, और प्रीमियम रिडम्पशन जो है सेटअप होगा अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एक रिडम्पशन और प्रेफर पेमेंट के लिए सभी को पेमेंट कर दी गई है, एक शेयर होल्डर जो है वो इंडिया छोड़ के चला गया, उसको अभी हमने पेमेंट नहीं करी, राइट। तो कुल मिला के अब आते हैं सबसे पहले हम अपने चार्ट पे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैंने आपको जर्नल एंट्रीज लिखाई, जो आपको चार्ट बनवाया, सारा का सारा उधर ही खत्म होने वाला है चैप्टर। अब जैसे कि पहले मैं आपको जो फिगर्स लिखी थी यहां पे डिलीट कर देता हूं, तो चलिए सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कहा हमारे प्रेफरेंस शेयर कितने थे 2500, उसमें से 100 शेयर्स क्या थे, 2500 में से 100 शेयर्स वो थे जो अनपेड हैं। इसका मतलब है जो एलिजिबल प्रेफरेंस शेयर हैं वो कितने हैं, 2400 शेयर ही रिडीम हो सकते हैं, बाकी 100 शेयर नहीं हो सकते। तो चलिए इसके लिए फेस वैल्यू कितनी है, 2400 एट द रेट ऑफ 100 दैट इज 2,40,000, और प्रीमियम रिडम्पशन कितना था, 2400 इंटू 10 दैट इज 24,000, राइट। उसके बाद हमारे पास हमने ये देखना है हमारे पास रिजर्व कितने पड़े हैं, इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के तौर पर हमारे पास बैलेंस शीट में क्या क्या पड़ा था, ये दो चीजें पड़ी हैं, पी एंड एल अकाउंट पड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 150 और सिक्योरिटी प्रीमियम का 15,000। पी एंड एल का बैलेंस हमारा कितना है, 1,50,000, इसमें से हम माइनस कर देंगे लीविंग बैलेंस, इतने बैलेंस को हम छेड़ नहीं सकते, हमारे को रखना ही रखना है। लीविंग बैलेंस कितने का जी, 50,000, इसका मतलब है अवेलेबल फॉर रिडम्पशन कितना है, 1,00,000। इसके बाद हमने ये देखना होता है कोई क्या कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर जो है, सॉरी उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट जो बेची थी, कोई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब ये 40,000 की हमने इन्वेस्टमेंट बेची है, ये इन्वेस्टमेंट थी कितने की, 50,000, 50,000 की इन्वेस्टमेंट आप कितने में बेच रहे हो, 40,000 में, तो आपको लॉस हो गया 10,000। तो इसका मतलब है पी एंड एल का 10,000 का बैलेंस और कम हो गया, माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000, तो टोटल बैलेंस कितना बचा,
90,000। इसका मतलब है हम रिजर्व में सरप्लस में से कितना बैलेंस दे सकते हैं, 90,000 रुपये। तो चलिए 90,000 रुपये फ्री रिजर्व में, मतलब हम कहाँ से ले लेंगे, P&L में से। और ये 90,000 रुपये कहाँ चला जाएगा, ट्रांसफर टू CRR, राइट। अब देखा जाए 240,000 था हमारे पास, 240,000 हमें चाहिए था, उसमें से हमने 90,000 रुपये तो कहाँ से ले लिए, फ्री रिजर्व से। अब इसका मतलब है हमें फ्रेश इशू कितने के करने हैं, 1,50,000 के, 1,50,000 के। अब हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा, कंपनी क्या करने जा रही है, कंपनी चाहती है रिक्विजिट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फेस वैल्यू ₹10 एट 10% प्रीमियम, दैट इज ₹1 प्रीमियम। तो ये कौन से वाला केस है, हमारा केस नंबर 2। ₹10 फेस वैल्यू है, इशू प्राइस कितना है जी, इशू प्राइस क्वेश्चन में 11 हो रहा है, तो हम डिवाइड बाय कितने के साथ करेंगे, 10 के साथ। तो यहां पर हम 150 डिवाइड बाय 10 करने वाले हैं, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस इक्विटी शेयर कितने इशू हो जाएंगे हमारे, 15,000, राइट। तो नए शेयर हम कितने इशू करने वाले हैं, 15,000। अब हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस में नंबर 1 P&L का बैलेंस हो गया, नंबर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम कैसे देखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम में हम देखेंगे बैलेंस इन बैलेंस शीट 15,000 प्लस न्यू इशू ऑफ शेयर, नए शेयर इशू कितने हुए हैं जी, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1, टोटल कितना हो गया जी, 15,000, 15,000 और 15 कितना हो गया, 30,000। अब देखा जाए हमें इसके लिए कितना बैलेंस चाहिए था, 24,000, 24,000 का 24,000 हम कहाँ से ले लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से, राइट। तो ये हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर चार्ट खत्म हो जाएगा और इस पे इस वाले एरिया की हमें जरूरत नहीं पड़ी, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा हमारा चार्ट है, जिसमें हमने नंबर 1 क्या निकाला, चार्ट बनाया, नंबर 2 हमने देखा रिजर्व एंड सरप्लस कितना अवेलेबल है। अब साथ साथ हम जनरल एंट्री पास कर देंगे। अब जनरल एंट्री के लिए आपको क्वेश्चन में सिर्फ देखने की एक पॉइंट के लिए है, वो भी आपको अगर याद होगी पढ़ते पढ़ते याद हो गया होगा कि पहला क्या था, कंपनी क्या कर रही है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रही है, इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 50,000 की, 50,000 की इन्वेस्टमेंट कितने में बेच रही है, 40,000 में। तो उसके लिए क्या एंट्री आने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट कितने के साथ, बैंक अकाउंट डेबिट हमारा होने वाला है 40,000 के साथ। टू इन्वेस्टमेंट 50,000 और P&L डेबिट हो जाएगा 10,000 के साथ। तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट कितने के साथ होगा, 15,000 शेयर है मल्टीप्लाई बाय 11, दैट इज 1,65,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000 इंटू 10, 1,50,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1,15,000। ये हमारी सेकेंड एंट्री हो गई। उसके बाद ड्यू की एंट्री क्या थी, प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने था, 2,400 प्रेफरेंशियल रिडीम होने वाले हैं, 2,400 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 2,40,000। उसके बाद प्रीमियम कितना है, 2,400 मल्टीप्लाई बाय 10, 24,000, ठीक है जी। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 2,64,000 कैसे था, 2,400 मल्टीप्लाई बाय 110, दैट इज 264। अब उसके बाद हमारा क्या है, फोर्थ एंट्री क्या थी, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व की क्या थी, P&L अकाउंट डेबिट हमने कितना यूज किया है, 90,000। तो P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा 90,000 और 2 CRR 90,000। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक,
प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इसमें से जैसे आपको पता है हमारे पास टोटल प्रेफरेंस शेयर कितने हैं 2400, इसमें से 50 शेयर हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं ली अभी तक, मल्टीप्लाई बाय 110, तो ये क्या हो जाएगा 2400 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 110 दैट इज 258 500, राइट। तो फ्रेंड्स अब देखो आप कितनी आसानी से हमने पूरा का पूरा सम कर लिया। अब ये आपका कम से कम 8 से 10 नंबर की वेटेज रखता है क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है हमारा 8 से 10 नंबर की वेटेज रखता है। इसमें आप देख सकते हो हमारा सारा का सारा जो दरमदर है चार्ट के ऊपर डिपेंड है। चार्ट हमारा ठीक हो गया, चार्ट को हमने सही तरीके से फॉलो कर लिया तो क्वेश्चन हमारा पार हो गया। तो हमने 20 to 25 मिनट्स में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और बायबैक सारा का सारा फटाफट कर लिया। और सबसे बड़ी बात, मैंने आपको उसमें जनरल एंट्री भी करवा दी, थ्योरेटिकल प्रोविजन भी बता दिया, तो फटाफट मैं विद इन लास्ट मिनट आपको बता देता हूँ इसमें क्या था। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में क्या था, कंपनी क्या कर रही है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रही है। तो रिडीम के लिए मैक्सिमम पीरियड कितना होता है 20 साल। और रिडीम के लिए सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, पैसे की अरेंजमेंट करेगी। पैसे की अरेंजमेंट कैसे, या तो फिर इन्वेस्टमेंट बेच देगी या तो फिर नए शेयर इशू करेगी। नंबर दो, कंपनी लॉ की प्रोविजन, कंपनी लॉ की कंप्लायंस के लिए कंपनी क्या करेगी। सबसे पहले हमें क्या पड़ा कि जो प्रेफरेंस शेयर है वो रिडीम कहां से हो सकते हैं, या तो फिर फ्रीजर से या तो फिर फ्रेश इशू करके। दूसरा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो है या तो फिर कहां से हो सकता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन या तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से या तो फिर फ्रीजर से, राइट। उसके बाद जनरल एंट्री, लास्ट में बैलेंस शीट। बहुत आसान है बैलेंस शीट, जैसे आप फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी में कर चुके हो, इसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स को अपने, और चैनल सब्सक्राइब करना हमारा ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।